के मुताबिक जीने के अधिकार की बात कही जा रही है। समर्थन करने वालों का कहना है कि उनकी जंग चलती रहेगी। आज उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया, जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, मूल्य और हमारी सामाजिक संरचना की पूरी पृष्ठभूमि में देखें तो ये एक ऐतिहासिक फैसला है। इससे पूरे करोड़ों करोड़ों लोग पूरी दुनिया में जो बसे हैं भारतीय, उन लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। आखिर हमारी परंपराओं का, हमारे मूल्यों का सम्मान हुआ। आई एम ग्लैड दैट यू एग्री दैट इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। टोटली शेयर द सेंटिमेंट। वी वर होपिंग दैट यू नो टुडे वी विल टेक मेनी मोर स्टेप्स यू नो आफ्टर द हाई कोर्ट जजमेंट, बट दैट हैज नॉट हैपेंड। सो वी हैव टू एक्चुअली गो थ्रू द जजमेंट एंड देन वे इन आवर लीगल ऑप्शंस। वहीं कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून के मुताबिक फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर टिप्पणी ठीक नहीं है। वहीं कांग्रेस के दूसरे नेता समेत जनता दल यूनाइटेड और टीएमसी के नेता इस फैसले पर निराश हैं। The Supreme Court is the final arbiter, as I said to you, on the validity of a law and the opinion of the Supreme Court must be respected by government. Government is the legislature is the final arbiter of what that law should be. I am not going to extend my comment beyond. Appropriate steps should be taken to ensure that all Indians are treated equally, even those with a different sexual preference. हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है ये रिग्रेसिव है। इस सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। At a personal level, a huge disappointment, because in 2006 there was a letter written which was signed by Amartya Sen, Vikram Seth, Shyam Benegal, even I signed that letter. So I'm very disappointed in this liberal world we live in today. यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों का यही कहना है कि वो इस फैसले से काफी डिसअपॉइंटेड है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उगम जी से मेरा सवाल। उगम जी, आप धर्म की आपने बात कही कि हमारे धर्म में नहीं है, और देखा जाए तो अब ये धर्म समलैंगिक संबंधों के आड़े आ रहा है। तो बदलाव हम कहते देखते आए हैं हमारे समाज में, हमारे रीति रिवाजों में काफी बदलाव आते रहे हैं, तो क्यों ना इसको भी एक बदलाव के तौर पर अपनाया जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये हमारे परंपरा भारत देश के नहीं है जी। हमारा भारत देश के नहीं है। ऋषि मुनियों में यही संदेश है। और सद्योग की बात करें हम तो सद्योग में जो लग्न हुआ है वहाँ भी नर नारी बताया है। तैत्रेय युग में जो शादियाँ कहीं कहीं हुई है वहाँ हर जगह पे भगवान के साथ जोड़ा गया है। राम सीता का लग्न हुआ, शंकर पार्वती लग्न हुआ, अन्य भगवानों का जीवन चित्र देखने जाओ। लेकिन उगम जी, अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये भारत की रीति नहीं है, लेकिन आज जो बहुत सारी चीजें हैं वो भारत के बाहर की आई हुई हैं। जिस तरह से गूगल की बात कर ले, आधुनिकता की बात कर ले, फेसबुक वगैरह की बात कर ले, ये सब बाहर से आई हुई है। तो ये भी चीज अगर बाहर से आई है, अगर हम बाकी सबको अपना सकते हैं तो इसे क्यों नहीं। ये मेरा कहना नहीं है। ऐसी ऐसी बातों में हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन हमारा जो मानव सिद्धांत जी, धर्म का सिद्धांत, ऋषियों की, संतों की परंपरा का सिद्धांत जी, उसको जहाँ कुछ हानि पहुँचती है जी, उसे हम याद दिलाते हैं कि ये अपना जो कोर्ट का फैसला आया वो बराबर उचित है और उसका स्वागत हमारा संत समाज करते हैं। उगम जी, एक चीज बताइए कि मान लीजिए, उगम जी आप कहना है कोर्ट का फैसला उचित है, पार्लियामेंट ने एक नया कानून बना दिया, संशोधन कर दिया, तब आप क्या कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उचित था या अनुचित? उन्होंने कह दिया, मान लीजिए पार्लियामेंट ने एक कानून होता है उसमें आईपीसी की 377 धारा 377 में संशोधन हो जाता है और तब वो अपराध नहीं रह जाता, तब आप क्या कहेंगे बाबा जी? नहीं, बात ऐसी है कि फिर तो यह समझना है कि ये लोग धर्म को बोल रहे हैं। पहले हमारा धर्म है, मानव समाज में धर्म से अधिक आगे है नहीं कुछ। तो धर्म को साथ में लेकर यदि कोई काम करता है, कार्य होता है, वो सही है। बाकी ये धर्म के सिद्धांत जो विरुद्ध हो रहा है जी, अच्छा जी, आप क्या कहेंगे? मुझे ये कहना है कि जो अपने वो धर्म का जो झंडा गाड़ के बैठे आजकल, तो अपने जो दूसरे धर्म गुरु के भी जो हमने देखे है सब लीला है, तो उसमें लेट अस नॉट गेट इनटू दैट कंट्रोवर्सी राइट नाउ। बट मुझे अभी ये भी कहना है कि ये तो आने ही वाला है कि भाई इट हैज टू बी लीगलाइज्ड। अब सेकंड स्टेप आप लोग ये भी तैयार रहना कि अब इसके बाद सेकंड स्टेप आने वाला है कि लाइक लिव इन रिलेशन लीगलाइज हो गया है, इस तरह इनके जो वेडिंग होंगे, शादियां होगी, वो भी जैसे कि दूसरे कंट्रीज में लीगलाइज हो गई है,
दूसरी खास मैडम आपको मुझे बात करनी थी कि ये जो होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल, ये हम कुछ फॉरेन से या विदेश से नहीं लाए हैं मैडम, ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, आप समझो, हम कुछ वहां देखा और हमने चालू किया, ऐसा नहीं है वो, क्योंकि इट्स समथिंग जो अंदर से निकलता है, आप समझिए, किसी को देख के हमको नहीं होगा कि वो लड़का लड़का करेगा तो हमको नहीं हो जाएगा हम के हम भी लड़की लड़कियां लड़का लड़का कर रहे हैं, तो ये कोई फॉरेन से नहीं आता है, आप समझिए, इसलिए लेट अस नॉट कंफ्यूज इट कि ये विदेशी परंपरा है, मैंने पहले भी कहा है ये हिंदुस्तान में भी हुआ, हमें इतनी जिगर होनी चाहिए ये फेस करने के लिए, शहर में नहीं गांव में भी ऐसे को देखने को मिलता है, तो ये तो फैक्ट है ना, तो हम क्यों उसको धर्म के नाम पे रट्टा लेते हैं, और गुरुजी तो बताते हैं कि जो नहीं करेंगे वो सब अधर्मिष्ट हो जाएंगे, ये सब, ये दिस इज नॉट इट, ये दिस इज नॉट द एज व्हेन वी टॉक अप ऑल दिस थिंग्स, वी शुड इन फैक्ट एज अ, नहीं मुझे ये खास कहना है कि अगर हम इसको लीगलाइज करते हैं, अगर हम उनको इक्वल राइट्स देते हैं, हमें ज्यादातर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बहुत बहुत जरूरी है, जी धर्म की बात आ रही है, जी उगम जी से मेरा ये सवाल है कि समय समय पर धर्म में भी बदलाव होते रहे हैं, लेकिन क्या इस बात को लेकर बदलाव नहीं हो सकता, क्या इस बात को लेकर कुछ रास्ता नहीं निकाला जाता, धर्म के बदलाव में देखो कोई भी युग में धर्म का बदलाव कभी हुआ नहीं है ना होगा, ये सनातन धर्म अखंड है, अखंड रहेगा, लेकिन इनके मानने वाले और नहीं मानने वाले जी, ये लोग जो कुछ करते हैं वो दूसरी बात है, और हम यहाँ खड़ा रहे कि ये जो फैसला आया हुआ है वो फैसलों को अभी कोई स्वीकार नहीं करते हैं, तो समझो मानव समाज में एक बड़ा प्रदूषण पैदा हो जाएगा, और जगत कहाँ जिंदा रहेगी, जगत का निर्माण नारे से हुआ है, प्रदूषण पैदा हो जाएगा ये कहना है उगमदास जी का, लेकिन सबकी अपनी अपनी राय है, जो समलैंगिक लोग हैं उनके अंदर निराशा है आज के इस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, कानून की बात कही जा रही है, कानून अपनी तौर तरीके से आगे बढ़ेगा, जो गेंद है सुप्रीम कोर्ट ने वो संसद के पाले में डाल दी, अब देखना होगा कि आगे क्या चलता है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ